सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हाँ तो बड़ी हम वापस से आ चुके हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके, जो कि हमारा वापस से एक और नई रॉम मिल रही है यहाँ पे हमारे Zenfone Max Pro M2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और नई कस्टम रॉम के बारे में, जो कि हम लेके आए हैं हमारे Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए। एंड मैं इन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, वो है हमारा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ही इंस्टॉल करिए। मैंने काफ़ी पिछले वीडियो में बताया नहीं, एंड आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे यूज़ करनी है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा आपको। हालांकि आपको सिंपल से अगर आप TWRP यूज़ करते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड करके रखी है उसके बारे में। तो चलिए पहले तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस रॉम के बारे में बताते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको इसका बूट एनिमेशन दिखा देते हैं। एज ऑलवेज तो यहाँ पे आपको iOS का बूट एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने कैमरा से रिकॉर्ड किया है। तो क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर सकते बूट एनिमेशन के लिए, तो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया। एंड ये उसके बाद आपका जो बूट हो जाता है तो फ़ोन आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बस दो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो कि Antutu वाले जो एप्लीकेशन ये मैंने डाले हैं खुद से, और मैंने प्ले स्टोर वगैरह भी यहाँ पे चेक किया है। तो अब दोस्तों इस रॉम के बारे में बात करी जाए तो आपको ये सिंपल सी जो बाकी सारी रॉम्स की तरह ही मिलती है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। बट इसमें ये है आपको जो कैमरा दिया गया है, यहाँ पे गूगल कैमरा गो दिया गया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये कैसी रॉम मिल रही है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना वीडियो है रिकॉर्डेड, बट धीरे धीरे दोस्तों वीडियोज़ आ रहे हैं तो आप उन पर ज़्यादा माइंड नहीं करिएगा। एंड यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मतलब मैंने जितना भी यूज़ किया मैंने गेमिंग तो नहीं की, बट इसकी दोस्तों Antutu स्कोर ही इसकी परफॉर्मेंस बता देगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपने बताते हैं आपको और इस चीज़ों के बारे में। तो अब चलते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। सेटिंग्स में सबसे पहले हमें कहाँ चलना, अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिल रहा है। एंड्रॉइड 10 देख सकते हैं आपको iOS का वर्जन 12.1 मिल जाता है। जी एप्स ऑफिशियल मिल जाता है। डिवाइस देख सकते हैं 01BT BD। एंड यहाँ पे आपको ये मई वाला आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच कर्नल वर्जन आपको एज ऑलवेज 4.4 एथोरियस देखने को मिलता है, जो कि 7 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 31 मई का। एंड बिल्ड डेट भी आपको यहाँ पे दिख रही है 31 मई भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा क्या देखेंगे, बस यही है और क्या डिटेल्स हैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड्रॉइड वर्जन, सिक्योरिटी अपडेट एंड कर्नल वर्जन, इसके अलावा आप जानेंगे और करेंगे भी क्या, है ना। तो चलिए अब आते हैं और आपको यहाँ पे और चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। कनेक्टेड डिवाइस वगैरह सारी सेटिंग्स वही आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो सिस्टम है इसने 10 GB दोस्तों स्टोरेज कम लेके रखी हुई है, कंज्यूम करके रखी हुई है। एंड वीडियो मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही में है अभी, क्योंकि मैंने फ़ोन पूरा फॉर्मेट किया है। एंड एप्लीकेशन की बात करी जाए तो एप्लीकेशन में सिर्फ Antutu स्कोर वाला एप्लीकेशन डला हुआ है। एंड जो गेम बता रहा था वो Antutu बेंचमार्क वाला ही एप्लीकेशन है और कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। एंड गैलरी वगैरह भी आपको वही पुरानी ऐसी वो लोकल वाली गैलरी देखने को मिल जाती है, बट ये है यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो परमिशन है, यहाँ पे परमिशन आप दे नहीं पाएंगे, तो आपको परमिशन देने के लिए सेटिंग्स में उनको ओपन करना होगा पर्टिकुलर ऐप का, वहाँ से आपको इनको परमिशन देनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, इमरजेंसी, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आपको वही वॉल्यूम डाउन वाली बटन और पावर बटन यूज़ करके ही आपको इसका रिकवरी खोलना पड़ेगा। एंड वहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल वगैरह की बात करी जाए तो थीम्ड आइकन्स हो गया, अपग्रेड वगैरह वही सारे आप चीज़ें मिल जाती हैं, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती, जो कि एक्स्ट्रा सेटिंग्स हमें प्रोवाइड करी जाती थी और बाकी रॉम्स में, जैसे कि जैसे इवोल्यूशन में आपको मिल जाती थी बाकी सारे ऑप्शंस, या फिर डव फेस्ट में आपको मिल जाते डव स्पेस वगैरह के नाम से, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पे सेटिंग्स में चलते हैं, प्ले पास नहीं सेटिंग्स बाबू। एंड अबाउट में यहाँ पे देखें तो डिवाइस सर्टिफाइड ही मिल जाता है, तो जनरली आपको सारी रॉम्स ही सर्टिफाइड देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें भी आप चाहें तो ईजिली बैंकिंग ऐप्स वगैरह यूज़ कर पाएंगे, आपको उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो भी रूट आपको इसमें कोई भी रूट देखने को नहीं मिलता, मतलब मैजिस इसमें आपको इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता। तो आपको जैसे कुछ भी एप्लीकेशन होते हैं, कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप अगर आप रूट है रूटेड है आपका फ़ोन, तो आप वो एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आप एप्लीकेशन सिंपली यूज़ कर पाएंगे और आपका डिवाइस सर्टिफाइड भी देखने को मिल जाता है, तो आपको उसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आपका ये दिखाएगी आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, तो आप प्ले स्टोर का क्लियर डेटा करिएगा और उसके बाद आप वापस से रिस्टार्ट करिए अपने फ़ोन एंड फिर से चेक करिए, तो आपको शायद देखने
देखने के लिए मिल जाएगा डिवाइस सर्टिफाइड, और अगर ना मिले तो आप सिंपली मैजिक इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपको वापस से क्या करना है, सिंपली आपको फ़ोन वाइप करना है, फिर यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वापस से रॉम, तो आपको देखने को मिल ही जाएगा डिवाइस सर्टिफाइड, बिकॉज ये रॉम सर्टिफाइड ही आपको पहले से ही देखने को मिलती है, तो आप इसमें ये कह नहीं सकते कि आपकी ये रॉम सर्टिफाइड नहीं है। एंड अगर जब भी आप करें तो आपको क्या करना है, उससे पहले यहाँ पे आपको मैं अगर प्ले स्टोर में दिखाऊँ तो आपको अपडेट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पुराना हो चुका है ना भाई, मई का है एंड यहाँ पे हम वीडियो डाल रहे हैं जून में, हालांकि ये बिल्ड जो की गई है 31 मई को की गई है, बट तब भी है ना वो चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। एंड उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो एफएम रेडियो वगैरह वाले आपको आप मिल जाते, तो एफएम रेडियो कौन ही सुनता है भाई आजकल, आजकल तो यूट्यूब स्पॉटीफाई का ज़माना, तो ये सब पुराने हो गया है भाई, बट फिर भी आपको देखने को मिल जाता है तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह आपको यहाँ पे फाइल्स वाला जो मिल जाता है वो मिलता है यहाँ पे, गूगल फाइल्स गो नहीं दिया गया, बट ये है कि आपको इसमें फाइल्स का ऑफिशियल ऐप मिल जाता है जो जिससे आप सारी फाइल्स देख पाएंगे अपने फ़ोन की, एंड आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके में APK वगैरह पड़ी हुई है तो। और चीज़ों की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलते, अगर देख पाए तो वही आपको सारे पुराने वाईफाई वगैरह वाले यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते, जो कि होने चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई रॉम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको जब तक कस्टमाइजेशन ना मिले तो कस्टम रॉम का मतलब ही क्या होता है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या है, स्टॉक रॉम, पूरी स्टॉक रॉम प्रोवाइड कर दी गई है, बट इसकी परफॉर्मेंस में मेरे को मज़ा आ गया, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है मैं आपको बताऊँगा है ना आगे, तो आप आगे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए भाई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह, साउंड हो गया, हेड्सअप वगैरह हो गए, मैं बोलूँगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मत ही यूज़ करिए, एम्बिएंट डिस्प्ले यूज़ करिएगा। एम्बिएंट डिस्प्ले दोस्तों ज़्यादा अच्छी मिलेगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको, जो बैटरी ज़्यादा आपकी ड्रेन करेगी आपका बैटरी यूसेज, इसमें दोस्तों बैटरी यूसेज की बात करी जाए तो डिसेंटली बैटरी यूसेज देखने को मिलता है आपको, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता बैटरी यूसेज में। एंड आगे की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दिखाएं आगे, तो गैस करके देखिए हम आपको अब आगे क्या बताने वाले हैं। अब क्या यार भाई, आप इससे अच्छा वीडियो ही स्किप कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन इसलिए मैं क्या ही बोलें, अब चलो आगे ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने एंटीटू स्कोर पे, तो एक सेकंड हम ज़रा अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा इसको बैक करें और फिर आपको दिखाते हैं आगे का मटेरियल्स। मटेरियल आ जा भाई, हाँ यहाँ पे जब कुछ नहीं है ना, चलो बैक आते हैं अपन, हम चलते हैं एंटीटू स्कोर पे जब तक ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहे हैं। तो चलो एंटीटू बेंचमार्क का एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है एंड ये भी थीम्ड हो गया है। यहाँ पे एंटीटू स्कोर की बात करी जाए 188,000, मतलब काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बट अगर इसका CPU अच्छा है तो GPU बहुत ख़राब है। मतलब GPU में देख सकते हैं 23,000, कहाँ कहाँ 31-32,000 यहाँ पे आपको स्कोर मिल रहा है, बट ये 23,000, तो दोस्तों GPU के मामले में बड़ा ही कमज़ोर पड़ गया है यहाँ पे, ये देख पाएंगे Adreno TN512 ही देखने को मिलता है। एंड बाकी UX वगैरह वही आपको सिंपल से ही देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। एंड बैटरी यूसेज बताएं, बैटरी लेवल मेरा काफ़ी लो बता रहा है, लेकिन बैटरी लेवल मेरा लो नहीं है भाई, 46% है, मजाक है क्या। बैटरी मैनेजर भी देख सकते हैं, बैटरी मैनेजर मिल जाता है, मैनेजर ऐप्स ऑटोमेटिकली अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बैटरी यूसेज की बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी यूसेज आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुई तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें बैटरी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन होना चाहिए। एंड नोटिफिकेशंस वगैरह की स्मार्ट हेड्सअप वगैरह मैंने बंद करके रखा है, जिससे आपको आप कुछ भी करें या फिर अगर वीडियो वगैरह स्ट्रीम कर रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं तो वहाँ से आपको डिस्टर्ब ना करें। बाकी आपको वाइब्रेशन और प्लस नोटिफिकेशन में दिखाई दे ही जाता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जो डार्क थीम है, यहाँ पे आपको सिंपल डार्क थीम मिल जाती है, बट ब्लैक थीम जो होती है ऑल ब्लैक, मतलब जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगती है, वो नहीं मिलती। थीम्ड आइकन दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एंटीटू का बेंचमार्क वाला था वो भी थीम्ड हो गया, बट यहाँ पे जो उसका 3D बेंच लाइट है वो थीम्ड नहीं हुआ। एंड आपके सामने आप CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, CPU थ्रॉटल, तो यहाँ पे हमने CPU थ्रॉटल यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से आपके सामने। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यू माइट ऑल्सो लाइक, ये जो दिखा रहे ना क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत खेला है भाई। एंड यहाँ पे वर्कआउट नहीं किया भाई, चलो अब इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी इंस्टॉल हो जा भाई, मैनेज एप्स एंड डिवाइस, यहाँ पे ओहो आ गया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको होम स्क्रीन में भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को आ गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, आपको प्ले स्टोर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं टेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको मैक्स क्लॉक, CPU क्लॉक देख सकते हैं, ओवर क्लॉक मिल जाता है, मतलब CPU 2.20 GHz तक मिल जाता है यहाँ पे आपको। एंड CPU मॉनिटर आप देख सकते हैं, आपको CPU मॉनिटर देखने को मिल रहा है, ये घटिया ऐड वही स्नैपचैट का, स्नैपचैट इसने कौन सी भाषा में लिखी आपको बताइएगा, अगर आपको ये भाषा पता हो तो, मैं कोई पता ही नहीं है, घटिया स्नैपचैट ऐप कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए फिलहाल तो इसका CPU थ्रॉटलिंग, तो चलिए जल्दी से एक मिनट हो जाए
एंड उसके बारे में दोस्तों इसमें बग्स की बात करिए तो इसमें आपको कोई बग देखने को नहीं मिलता, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे अगर 2 लाख के अबव जाता है स्कोर तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी देखी जाए तो कायदे से नहीं मिल रही है। बट इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस आपको ठीक ही ठाक है, मतलब ठीक ही ठाक है, आपको अच्छी ही मिल रही है। गेमिंग के मामले में BGMI अगर आप खेलना चाहें तो मैं बोलूँगा स्मूथ प्लस जो हाई पे कर लीजिएगा फ्रेम रेट्स, और आराम से खेलिए, आपको ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। प्लस एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने फ़ोन को हमेशा ही 72 आवर्स में रीबूट कर दीजिए करेगा, इससे जो आपके पुराने इसमें क्या है उसमें स्टॉक एंड्रॉयड है तो इसमें क्या होते हैं जो ऐप रहते हैं वो किल नहीं होते हैं, तो आप क्या हो गया उसके कारण आपकी जो रैम है ज़्यादा कंज्यूम होती है और आपका फ़ोन जो है अगर आप कोई भी जैसे व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन लैग करने लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ आप ज़रूर करिएगा वो चीज़, है ना, तो आपका फ़ोन जब भी रीस्टार्ट होगा तो आपके सारे ऐप क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको और भी कोई डाउट वगैरह हो, कोई भी क्वेरी वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह की लिंक देकर रखी है, आप वहाँ से भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम में दोस्तों जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ जो डिस्कशन ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। We'll be right back.